तो उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों की विरोधी है, रोजगार देने के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर की व्यवस्था को खत्म करेंगे। और बीजेपी वालों से अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जा रहा है और इन्होंने चंदा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं लिया बल्कि वैक्सीन कंपनी वालों से भी ले लिया। यहां तो बहुत से लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। ये जो हमारे कर्मचारी लोग हैं इन्हें तो जबरदस्ती लगवा दी। सर्टिफिकेट बताओ वो जब देख करके जाएंगे तो वोट इनके खिलाफ डालेंगे।